हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के कर्ण बैच में। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर्स, मैथ की दुनिया में स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट। और आज की अपने इस वीडियो की क्लास में आपको 2023 के जो 10 का बैच है, 2023 के जो 10 वाले प्यारे बच्चे हैं, उनको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है कि बोर्ड के एग्जाम में 90+ नंबर जो है हाई स्कूल में लाना है। प्यारे बच्चों, आप ये आज वादा कीजिए, और आपसे हम एक वादा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको 90% नंबर लाने की जिम्मेदारी हम देते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल पे अगर प्यारे बच्चों आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, कक्षा 10 की सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स के बारे में जानना है। प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, अब कहोगे सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मन में इच्छा उठी। अरे प्यारे बच्चों, मन में इच्छा उठी है तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। एक से लेके जो भी गिनने वाली जितनी संख्याएं होती हैं, सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो इनका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या आता है, बहुपद आता है। प्यारे बच्चों, यानी अनेक पद वाले क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, तो बहुपद के अंतर्गत हम लोग एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, तीन घाती बहुपद, कई प्रकार के बहुपदों के बारे में अध्ययन करेंगे डियर स्टूडेंट, और एकदम सरल लैंग्वेज में और एकदम सरल भाषाओं में। प्यारे बच्चों, आपको एकदम खेलते खेलते ये दोनों चैप्टर, हर एक चैप्टर आपको बता दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी किसी भी सवाल या किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट उत्पन्न होता है तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहां से जाकर प्यारे बच्चों आपको जो है टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते। तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, दो चर वाले यानी चर क्या होता है प्यारे बच्चों, चर होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी जो तीसरा चैप्टर है उसको हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिनका घात एक हो। डियर स्टूडेंट, यानी तीसरे चैप्टर में हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, और प्यारे बच्चों इसको हम लोग इतने सरल भाषाओं में पढ़ लेंगे, इतनी सरल तरीके से आपको बता देंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों इससे आ जाएंगे। अगला अध्याय है द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिनका घात क्या हो, दो हो, वो क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चौथे अध्याय में हमको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। पांचवा अध्याय क्या है, समांतर श्रेणी, यानी श्रेणियां क्या होती हैं, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, वो सभी चीजें, वो सभी डाउटें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे सरल चैप्टर आता है त्रिभुज, जो कि बच्चों के लिए होता है कि सबसे हार्ड चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को तो हम लोग ऐसे चुटकियों में सीखेंगे कि आप कहोगे कि वाह क्या तरीका है इसके पढ़ने, कितने सरल तरीके में आपको बता देंगे। प्यारे बच्चों, आपका सातवां अध्याय होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष के पर हम लोग बिंदुओं को दर्शाएंगे और बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। प्यारे बच्चों, तो इनके बारे में हम लोग इन जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये सब अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, और सबसे सरल और हर एक चैप्टर से सरल ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों, और उसके बाद आठवां अध्याय आता है त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे इकलौता चैप्टर और सबसे इजीली चैप्टर है ये त्रिकोणमिति का परिचय। ये और ये दोनों आपको इनमें त्रिकोणमिति का परिचय कराएंगे कि ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में छठो अनुपात होते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं, और उसके बाद उन्हीं में हम उनको आपको अनुप्रयोग सिखा देंगे, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है वो चीज़ आपको नौवें अध्याय में बता देंगे। यानी आठवें अध्याय में परिचय कराएंगे, नौवें अध्याय में उपयोग कहाँ करना है वो आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, दसवां अध्याय है वृत्त।
दसवां अध्याय क्या है? वृत्त है प्यारे बच्चों। तो वृत्त के बारे में जानेंगे, वृत्त बनता कैसे है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, वृत्त की रचना कैसे की जाती है, तो इन सब का डिटेल से अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करेंगे, दसवां अध्याय प्यारे बच्चों। ग्यारहवां अध्याय क्या है प्यारे बच्चों? रचनाएं, यानी हम लोग रचनाएं कैसे करते हैं, त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, वृत्त की रचना कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों रचनाएं सबसे अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों, एकदम सरल तरीकों से आपको सिखाएंगे, आप खुद रचनाएं सीख जाओगे, खुद रचना करना जान जाओगे प्यारे बच्चों। आपका बारहवां अध्याय आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त तो जान लिए, वृत्त क्या होता है, ये वृत्त हो गए, तो इससे संबंधित जो क्षेत्रफल होंगे, इसके अंतर्गत जो एरिया आएगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आयतन, वृत्त का जो भी आपकी चीजें हैं वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सब जो चैप्टरें हैं एकदम सरल चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी किसी पृष्ठ के अंतर्गत घिरा हुआ क्षेत्रफल वो पढ़ेंगे, और पृष्ठ से घिरा हुआ आयतन जो होगा वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चौदहवां अध्याय आता है सांख्यिकी, चौदहवां अध्याय क्या आता है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी सबसे सरल चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं का माध्य निकालना सीखेंगे, संख्याओं का बहुलक निकालेंगे, संख्याओं का माध्यिका निकालेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम लोग भैया चौदह अध्याय में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। लास्ट अध्याय आता है प्रायिकता, और प्रायिकता प्यारे बच्चों ये जब तक आप पढ़ोगे तब तक प्रायिकता आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट, और सबसे सरल, और इसको तो हम लोग खेलते खेलते यूँ चुटकियों में सीख जाएंगे प्यारे बच्चों प्रायिकता को, कि आप खुद नहीं कहोगे कि प्रायिकता हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों। तो इन पंद्रहों अध्यायों को पढ़ना है, और प्यारे बच्चों कर्ण बैच का एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है कि फ्री एजुकेशन आपको पहुंचाना है प्यारे बच्चों, सभी का अधिकार, सभी को जो है, सभी का जो है शिक्षा का अधिकार है, यानी सबको शिक्षा मिलनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते या कोचिंग की फीस उनको नहीं उपस्थित है प्यारे बच्चों, तो उनके लिए हमारा केवल एक उद्देश्य है प्यारे बच्चों कि आपको फ्री एजुकेशन दिया जाए, और बेस्ट एजुकेशन देंगे प्यारे बच्चों। और 2023 के बैच वाले जो 10 के बैच है, टारगेट टू 90%+ का वादा है प्यारे बच्चों। अगर आप कंटिन्यूस रह गए क्लास के साथ, बने रह गए, तो मेरा आपसे वादा है प्यारे बच्चों, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों से वादा करता हूँ, 90%+ नंबर आपके आएंगे प्यारे बच्चों, केवल आप मेहनत करते रहिएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि कण बैच लेके आ रहा है आप लोगों के लिए एकदम सबसे सरल तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।